हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपना एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपना 20 इयर्स इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का सॉल्यूशन, जिसमें आज बात की जाएगी आपके लास्ट यूनिट यानी कि नॉइस पोल्यूशन की। नॉइस पोल्यूशन के जितने भी क्वेश्चंस आपके इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में पूछे गए हैं, उनको हम यहाँ पर कंसेप्ट एंड डिटेल वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि क्वेश्चंस आपके ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, बट जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम विद डिटेल एंड कंसेप्ट कवर करेंगे सिर्फ एक ही वीडियो में। तो आइए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्लियर है। यहां पर मैं क्वेश्चंस का तरीका भी बताऊंगा कि आपको इस क्वेश्चंस को विदाउट कैलकुलेटर किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिएगा क्वेश्चंस में क्या कह रहा है आपके पास। क्वेश्चंस में बोला गया है कि टू सोर्स जनरेशन द नॉइज लेवल, कि दो सोर्स दे दिए गए हैं, दो सोर्स हम बना लेते हैं, ठीक है सर। एक सोर्स आपके पास ए दे दिया गया है और दूसरा सोर्स आपके पास बी दे दिया गया है, और इनका क्या दे दिया गया है आपको, नॉइज लेवल दे दिया गया है, क्लियर है। नॉइज लेवल कितना दे दिया गया है वो देखिएगा, वो दे दिया गया है आपके पास 90 डेसिबल्स एंड 94 डेसिबल्स। तो यहां पे लिखूंगा मैं, ये नॉइज लेवल मेरे पास ए है तो इसको मैं लिख देता हूं एल ए। कितना दे दिया है, 90 डेसिबल्स दे दिया है, क्लियर है। और दूसरे का नॉइज लेवल जो दे दिया एल बी, उसका दे दिया है दैट इज 94 डेसिबल्स दे दिया है, क्लियर है। यानी कि ये ए सोर्स है मेरे पास और ये मेरे पास बी सोर्स है, क्लियर है। द कॉम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ दीज टू नॉइज लेवल ऑन द ह्यूमन ईयर, आपको क्या निकालना है, कॉम्युलेटिव। तो कॉम्युलेटिव के लिए आपके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 log 10 इज मिशन ऑफ आईथ टर्म टू 1 इंटू एन, एंड नंबर ऑफ सैंपल्स इज 10 की पावर एल आई डिवाइडेड बाई 10 इंटू टी आई, क्लियर है। ये आपके पास सिंपल फार्मूला लगाना है आपने इसका। जब हम एलएन कंसेप्ट की स्टडी की थी तो वहां पर मैंने आपको ये फार्मूला ऑलरेडी अंडरस्टूड करवाया था, क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ सैंपल्स यानी कि नंबर ऑफ साउंड सैंपल्स कितने दिए गए हैं, 2, 1 and 2 दे दिए गए हैं, क्लियर है। तो सर यहाँ पे जो टाइम है वो टाइम क्या होगा, रिस्पेक्टिवली बोला है यानी कि उसका सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम में ये क्या कर रहे हैं, अपनी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब एक ही टाइम में आपकी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सेम हो जाएगा, क्लियर है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपके पास, दैट इज 10 log 10 is आपके पास क्या है, L. L I की जगह अब A रखूंगा मैं, तो 90 decibel, तो 90 by 10, ठीक है, into time. Time same है, तो आप इसको 1 कर सकते हैं, प्लस उसी तरह से next 10 की पावर कितनी दे दी गया दूसरा 94, तो 94 by 10 into time is 1 दे दिया है, यानी कि same time मतलब 1, क्लियर है। आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा आपके पास आंसर कितना आता है। इसको सॉल्व करने से आंसर आता है 10 की पावर 9 इज इक्वल टू प्लस 10 की पावर 9.4, आपके पास कितना आ जाएगा, 3511 आ गया। लॉग कीजिएगा इसका, लॉग करके कितना है आपके पास 9.5 आया, मल्टीप्लाई बाई 10 कीजिएगा आप इसको, तो आपके पास नेट योर आंसर इज 95.455 डेसिबल्स आ गया है, क्लियर है। तो यहां से अगर आपका आंसर देखें तो 164 नहीं हो सकता है, 94 भी नहीं हो सकता है, 92 भी नहीं हो सकता है, एज द राइट आंसर इज दैट इज 95.5 डेसिबल्स, क्लियर है। अब देखिएगा, ये तो आपका तब था कि सर हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, सिंपल फॉर्मूला लगा दिया है और इसको कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व कर दिया है। क्या सर आपके किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वनडे एग्जाम में आपका कैलसी अलाउड नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जहाँ पे कैलसी अलाउड होता है, जैसे आप देखोगे कि आप MPPSC AE का एग्जाम दोगे तो वहाँ पे भी कैलसी अलाउड होता है, महाराष्ट्र AE का पेपर दोगे वहाँ पे भी कैलसी आपका अलाउड होता है। कुछ ही स्टेट ऐसी होती है जहाँ पे आपका कैलसी अलाउड नहीं होता है, और इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में भी कैलसी अलाउड नहीं होता, तो उस स्टेज में तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी डिफिकल्ट बन जाता है, क्लियर है। तो हम इसको इजी बनाएंगे, कुछ आपको यहाँ पे एक थंब रूल्स मैं बताऊंगा, उन थंब रूल्स को आपको समझना होगा, उन थंब रूल्स से भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि उस क्वेश्चन से आपका आंसर क्या होने वाला है। तो आइए बात करते हैं उन थंब रूल्स की। तो उन थंब रूल्स में आपको सबसे पहले याद रखना कि कभी भी जब आपके पास दो सोर्स गिवन दिए गए हैं, टू सोर्स
का अगर आपको क्या करना हो, एडिशन करना हो, मान लेते हैं हम अभी एडिशंस की बात कर लेते हैं हम अभी, या कोई भी दो सोर्स दे दिए जाएंगे आपको, तो उसमें से आपको पहला सोर्स मान लेते हैं आपके पास एल ए एंड एल बी होगा, क्लियर है। तो उसमें से आपको क्या करना कि अगर ये दोनों सोर्स कैसे होने चाहिए आपके पास, सेम होने चाहिए या डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये सेम भी हो सकते हैं और ये आपके पास डिफरेंट भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्लियर है। जब सेम होगा तो क्या होगा, जब डिफरेंट होगा तो क्या होगा, ये देखिएगा। अगर आपके पास दो सोर्स है, दो सोर्स मतलब अगर उन दोनों के बीच का डिफरेंस, इफ मैं लिख रहा हूं, इफ आपके पास दो सोर्स है, टू सोर्स है, और उनका जो डिफरेंस है, उनका जो डिफरेंस है आपके पास वो कितना है वो देखिएगा। अगर आपके दो सोर्स है उनका डिफरेंस जीरो और एक के बीच में है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो भी आपके हाइयर वैल्यू होगी उसमें आप तीन डेसिबल्स को ऐड कर दीजिएगा, क्लियर है। उसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या बोलती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बोलती है सर अगर डिफरेंस टू और थ्री के बीच में हुआ तो आप क्या कर दीजिएगा, हाइयर वैल्यू में, हाइयर वैल्यू लिख देता हूं मैं एल एच से यहां पे, तो हाइयर वैल्यू में आप क्या ऐड कीजिएगा सर, टू डेसिबल्स को ऐड कर दीजिएगा, क्लियर है। उसी तरह से सर अगर हमारा चार और आठ के बीच में डिफरेंस है तो आप क्या कीजिएगा, हाइयर वैल्यूज में आप वन डेसिबल्स ऐड कीजिएगा, और अगर सर हमारा डिफरेंस इज मोर देन नाइन हुआ तो आप हाइयर वैल्यू एज इट ही आंसर रखेंगे, क्लियर है। ये बात हो गई है आपकी, अब समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास कोई दो सोर्स दिए हुए थे, अभी हम इसी क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दो सोर्स थे, एक 90 डेसिबल्स था, एक 94 था, यानी कि एक रिस्पेक्टिवली टाइम, मतलब सेम टाइम पे वो अपना क्या जनरेट कर रहे हैं, साउंड पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास कितना था इसका डिफरेंस, 90 और 94 में आपका कितना डिफरेंस है, तो यहां पे जो डिफरेंस है आपके पास वो चार का डिफरेंस है, तो चार का डिफरेंस मैं यहीं पे देख लेता हूं, चार का डिफरेंस कहां पे है, यहां पे, जैसे आपके पास दे दिए यहां पे 90 एंड 94 दे दिया है, तो यहां पे आपके पास चार का डिफरेंस है, तो हाइयर वैल्यू क्या है सर, 94 है, तो 94 में आप क्या ऐड कर दोगे, एक डेसिबल्स ऐड कर दोगे, तो आप वन डेसिबल्स ऐड कर दीजिएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 95 डेसिबल्स। तो आपको सिर्फ ये थंब रूल्स इसको पिक करना है और यहां से आप अपना आंसर क्या लगा सकते हैं, राउंड ऑफ सही कर सकते हैं, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट कि अगर आपके पास दे दिया जाए कि 78 और 80 के बीच दे दिया गया, दो साउंड लेवल दिए गए, 78 और 80 दे दिया है, तो आपको क्या देखना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ सर, दो हुआ है, तो दो और तीन, तो हाइयर वैल्यू कौन सी है सर, 80 है, तो 80 में आपको कितना ऐड करना, टू ऐड करना, तो 80 में जब टू ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 82 डेसिबल्स, क्योंकि मैंने लिखा है अगर आपका डिफरेंस क्या है, दो और तीन के बीच में है, तो हाइयर वैल्यू में आपको दो डेसिबल ऐड करना, तो यानी कि 80 में आपको दो ऐड करना, दैट योर आंसर इज 82 डेसिबल्स, क्लियर है। उसी तरह से नेक्स्ट अगर हमारे पास क्या हो, आपके पास 96 और 97 डेसिबल्स आपके पास साउंड दे दी है, तो इस कंडीशंस में क्या होगा, पहले इनका डिफरेंस देखिएगा, 96 और 97 के बीच में कितना डिफरेंस है सर, एक का डिफरेंस है, अगर जीरो का डिफरेंस भी होगा तो उस कंडीशन में भी आपको तीन डेसिबल्स ऐड कर देना है, क्लियर है। यानी कि जीरो का कब होगा, जब आपके पास दो नॉइस लेवल सेम होंगे, क्लियर है। तो यहां पे हाइयर वैल्यू क्या है, 97 में आपको क्या ऐड कर देना है, तीन ऐड कर देना है, तो आपका साउंड कितना आ जाएगा, यहां से 100 डेसिबल्स योर साउंड आ जाएगा, क्लियर है। तो ये थंब रूल है, इसको लर्न करोगे तो ज्यादा फायदा होने वाला है। लास्ट देखते हैं, लास्ट प्रॉपर्टीज कि अगर आपके पास क्या है कि दो साउंड सोर्स दे दिए गए हैं, एक दे दिया गया है 89 और दूसरा दे दिया है 98 दे दिया है, क्लियर है, ये दे दिया। यहां पे मैं अगर ज्यादा बेटर करूंगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर 9 भी डिफरेंस हुआ और 9 से ज्यादा हुआ तब, क्लियर है। अब देखिएगा 89 और 98 दो सोर्स दिए गए हैं, कितने का डिफरेंस है, यहां पे 9 का डिफरेंस है। जब 9 का डिफरेंस होता है तो हम उसका डेसिबल्स कितना काउंट करते हैं, उसकी हाइयर वैल्यू को एज ए डेसिबल काउंट करते हैं, तो इसको हाइयर वैल्यू एज ए 98 डेसिबल्स योर आंसर, क्लियर है। तो इस तरह का क्वेश्चंस है आपकी एग्जाम के अंदर अगर पूछ लिया जाए तो आप कभी गलती नहीं करेगा और विदाउट कैलसी ही आप इसका आंसर क्लिक कर सकते हैं,
क्लियर है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, इस क्वेश्चन में पूछा गया है साउंड प्रेशर लेवल फॉर ए जेट प्लेन ऑन द ग्राउंड विद साउंड प्रेशर ऑफ 2000 माइक्रोबार शुड बी। क्या बोला गया है कि आपको SPL निकालना है कब, जब आपके पास जो जेट प्लेन है वो कहाँ पे है, ग्राउंड पे है, विद साउंड प्रेशर ऑफ 2000 माइक्रोबार दिया गया है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक टर्म्स याद रखनी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो साउंड होता है आपके पास, साउंड की जो यूनिट होती है क्या होता है आपके पास, डेसीबल्स होता है। और इसको किसने इन्वेंट किया था, इसको ग्राम बेल ने इन्वेंट किया था। क्लियर है, ये चीज़ आपको लर्न रखनी है। उसी तरह से यहाँ पर साउंड में हम दो फॉर्मूले मेन होते हैं, एक होता है सर SPL और दूसरा होता है आपके पास दैट इज SIL होता है। अगर हम SPL की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हम साउंड प्रेशर लेवल। क्या बोलते हैं, साउंड प्रेशर लेवल बोलते हैं। क्लियर है। अगर हम SIL की बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हम साउंड इंटेंसिटी लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साउंड इंटेंसिटी लेवल बोलते हैं। क्लियर है। अगर यहां पर हम साउंड प्रेशर लेवल की बात करते हैं तो इन दोनों की यूनिट भी क्या हो जाएगी आपके पास, ये भी किस में आएगी सर, डेसिबल्स में आएगी। तो ये भी हमारे पास डेसिबल्स में हो गया। अगर मैं सर इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखता हूं तो ये हो जाता है आपके पास 20 log 10 इज पी अपॉन पी रेफरेंस। तो आपको ये इस तरह से देखने को मिल सकता है, और कई बुकों में इसको डायरेक्ट आपको ऐसे भी लिखा जा सकता है 20 log, अब 10 की जगह डायरेक्ट दिया जाएगा पी अपॉन पी रेफरेंस। क्लियर है। और इसको हम और भी लिख सकते हैं, और कैसे हो सकता है सर, 20 log 10 इज पी अपॉन पी नॉट, रेफरेंस की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, पी नॉट आ जाएगा। जब भी यहाँ पर बात करेंगे हम साउंड प्रेशर लेवल की तो किसके रिस्पेक्ट में लिया जाएगा, वो आपके प्रेशर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। बट जब हम साउंड इंटेंसिटी लेवल की बात करेंगे तो आपका साउंड किसके रिस्पेक्ट में होगा, इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में होगा। क्लियर है। तो हम यहाँ पे भी देखेंगे दैट इज 10 log 10, इसको भी लिख सकते हैं हम आई अपॉन आई रेफरेंस, ये लिखा हो सकता है। और इसको हम लिख सकते हैं 10 log 10 नहीं होगा, आई अपॉन आई रेफरेंस लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है 10 log 10 इज आपके पास आई अपॉन आई नॉट हो सकता है। यानी कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज रहेगी वो क्या रहेगी, या तो आई नॉट की फॉर्म में रहेगी या रेफरेंस की फॉर्म में रहेगी, जब हम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। बट जब हम प्रेशर की बात करेंगे तो आपका जो स्टैंडर्ड प्रेशर रहेगा वो या तो पी नॉट की फॉर्म में रहेगा या पी रेफरेंस की फॉर्म में रहेगा। और इन दोनों ही कंडीशन में जो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू ली जाएगी, यानी कि जो पी नॉट और पी रेफरेंस की जो वैल्यू होगी वो 20 माइक्रो पास्कल होगी। क्लियर है। और आपके पास आई रेफरेंस की भी जो वैल्यू ली जाएगी वो आपके पास 20 माइक्रो पास्कल ली जाएगी। क्लियर है, ये बात क्लियर होगी आपके पास। जब ये क्लियर होगी तो क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, जो आपके साउंड प्रेशर लेवल पूछा गया है, बट दिया क्या है आपके पास, साउंड प्रेशर दे दिया गया है। तो पी इज इक्वल टू दैट इज 2000 माइक्रो बार दे दिया गया है। माइक्रो में कितने होते हैं, 10^-6, तो 2000 × 10^-6। 1 bar इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है आपका, 1 pascal के इक्वल होता है, या 1 newton per meter square के होता है, जो किसके इक्वल हो जाता है, 10^5 के इक्वल हो जाता है। क्लियर है, किस में आ गया आपके पास, पास्कल में आ गया है। उसी तरह से हम अगर पी रेफरेंस की बात करते हैं या पी नोट की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड कितना रहता है, 20 माइक्रो पास्कल रहता है। क्लियर है। 20 माइक्रो पास्कल को भी पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो 20 × 10^-6 किस में आ जाएगा, पास्कल्स में आ जाएगा। क्लियर है। अब जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो SPL इज इक्वल टू 20 log इज पी अपॉन पी रेफरेंस लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 log इज पी कितना है, 2000 × 10^-6 × 10^5 / 20 × 10^-6। क्लियर है। सॉल्व कीजिएगा इसको, कितना आता है आपके पास, तो इसको सॉल्व किया हमने तो यहाँ पर आपके पास कितना आ रहा है, ये देखिए 10^-6 है, 10^5 है, एक इधर जाएगी तो ये कट जाएगा आपके पास, तो यहाँ से कितना बच गया आपके पास, ये आ जाएगा 200 / 20 × 10^-6। कितना आ जाएगा आपके पास, लॉग कीजिएगा आप, इंटू 20 कीजिएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 140 decibels आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 140 decibels। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, सी विल बी द
राइट आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चंस को क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। यूनिट के बारे में जाना, उसी तरह से आपसे एक और यूनिट यहां से पूछ ली जाती है कि ओजोन की यूनिट क्या होती है। तो ओजोन की जो होती है वो डॉप्सन होती है आपके पास, ठीक है, आप इसको चेक कर लेना है एक बार, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। आपको इसमें क्या करना है, करेक्टली मैच करना है। जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो आप ऐसे में क्या करते हैं कि जो आपको सबसे इजी लग रहा है पहले उसको पिक करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं रिवर्ब्रिएशन टाइम, तो जो रिवर्ब्रिएशन टाइम होता है इट इज़ रिलेटेड टू साउंड इंटेंसिटी लेवल से रिलेटेड है, क्लियर है। बट जब हम बात करते हैं NIPTS की, तो N का मतलब क्या होता है, नॉइज इंड्यूस परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट साउंड फोकाई, एंड TTS, TTS क्या होता है आपके पास, टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे सारी इनको लिखना चाहूँ कि अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि NIPTS का मतलब क्या होता है, N का मतलब होता है आपके पास यहाँ पे नॉइज इंड्यूस्ड परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट, क्लियर है। अगर हम उसी तरह से बात करते हैं TTS की, तो दैट इज TTS, TTS का मतलब होता है आपके पास टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट, क्लियर है। अगर हम बात करते हैं इसकी कि नॉइज इंड्यूस परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपके पास कि लॉन्ग टर्म हेयरिंग लॉस, क्या होता है, लॉन्ग टर्म हेयरिंग लॉस। तो यहां पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म हेयरिंग लॉस है ये, और जब लॉन्ग टर्म हेयरिंग लॉस है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, परमानेंट हेयरिंग लॉस, PHL क्या है, परमानेंट हेयरिंग लॉस। अब हम TTS की बात करते हैं, ये टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब है शॉर्ट टर्म हेयरिंग लॉस, क्या मतलब है, शॉर्ट टर्म हेयरिंग लॉस, क्लियर है, जिसको हम टेम्परेरी हेयरिंग लॉस बोलते हैं, टेम्परेरी हेयरिंग, THL का मतलब क्या है, टेम्परेरी हेयरिंग लॉस, PHL का मतलब क्या है, परमानेंट हेयरिंग लॉस, क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम NIPTS के सामने देखें तो ये क्या होता है आपके पास, रिस्पॉन्सिबल फॉर द परमानेंट हेयरिंग लॉस, बिल्कुल सही है सर। नेक्स्ट देखते हैं हम TTS क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेरी हेयरिंग लॉस, बिल्कुल सही है सर। यानी कि 2 और 4 कहाँ कहाँ पे है, ऑप्शन ए में भी है 2 और 4, इसमें तो हो ही नहीं सकता भाई, तो देखते हैं अभी पूरा देखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे साउंड फोकाई आपका क्या है, साउंड फोकाई फॉर्म्ड तभी फॉर्म्ड होता है जब आपका साउंड वेव का जो रिफ्लेक्शन रहता है वो किस तरह से रहता है, वो आपका कनकेव रहता है। बट क्वेश्चंस में क्या बोला गया है कि साउंड फोकाई आपका तभी फॉर्म्ड होता है जब साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम कन्वेक्स, गलत हो गया है यहाँ पे डियर, कन्वेक्स नहीं होगा यहाँ पे, कन्वेक्स की जगह हम क्या कर देंगे, कनकेव कर देंगे, क्लियर है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि तभी फॉर्म्ड होता है। तो इसका मतलब ती तो आपका गलत हो गया है, जब तीसरा गलत हो गया है तो जहां जहां तीन है उनको उड़ा दीजिएगा, उड़ा दिया। बचा क्या है आपके पास, पीछे बचा सिर्फ आपके पास है सी, तो आपका राइट आंसर तो हो गया सी। अब पढ़ लेते हैं सर रिवर्ब्रिएशन टाइम्स से भी, जो रिवर्ब्रिएशन टाइम्स होता है आपके पास इट इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड होता है आपके पास, साउंड इंटेंसिटी लेवल से, इट इज रिलेटेड टू साउंड इंटेंसिटी लेवल से रिलेटेड होता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना। तो साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या होता है, SIL इज इक्वल टू 10 log is I upon I naught, और यहाँ पे जो इंटेंसिटी लेवल है वो कितना रिड्यूस किया जाता है, 1,000,000 रिड्यूस किया जाता है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, दैट इज 10 की पावर 6, तो कीजिएगा 10 की पावर 6 कितना हो गया आपके पास, 10 की पावर 6 हो गया आपके पास, दिस आप लॉग कीजिएगा 6 आ गया है, 10 log 6 कितना हो गया, 60 decibel, तो ये कितना होगा आपका रिवर्ब्रिएशन टाइम, 60 decibels होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि रिवर्ब्रेशन टाइम रिक्वायर्ड रिड्यूसिंग द नॉइज बाय 60 decibel, ये कितना रिड्यूस करता है नॉइज लेवल को, 60% तक रिड्यूस करता है, क्लियर है। तो हम एक तरह से इसको कह सकते हैं कि इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द इंटेंसिटी, तो हम ये लिख सकते हैं इट इज द टाइम रिक्वायर्ड
टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस्ड, टू रिड्यूस द इंटेंसिटी टू 1 million ऑफ इट्स, 1 million ऑफ इट्स वैल्यू, किसकी हमें क्या करना है, 1 million ऑफ इट्स वैल्यू को रिड्यूस करना है। तो ये हो गया आपका 1 million मतलब 10^6, क्लियर है। तो इसी को क्या बोला जाता है आपके पास, रिवर्बरेशन टाइम इज नोन एज रिवर्बरेशन टाइम, मतलब आरटी। आरटी का मतलब क्या होता है, रिवर्बरेशन टाइम, क्लियर है। तो इस तरह से इसका आंसर भी हमें क्या मिल गया है, सही मिल गया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एकॉस्टिक ऑफ एन ऑडिटोरियम इज कंसिडर, अकोस्टिक मतलब कि साउंड, साउंड ऑफ एन ऑडिटोरियम इज कंसिडर्ड टू बी एक्सीलेंट व्हेन रिवर्बरेशन टाइम इज बिटवीन, कि जब आप किसी साउंड को ऑडिटोरियम में तभी आप एक्सीलेंट कहेंगे जब उसका रिवर्बरेशन टाइम कितना होगा, 0.50 एंड 1.50 सेकंड के मध्य होगा, क्लियर है। वेरी गुड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एएस एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है, क्लियर है। तो इंजीनियरिंग में भी पूछ लिया गया है आपको, तो ये आप इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक्स्ट्रा फैक्ट होता है, इनको आप अपने नोट्स में ऐड करते रहो, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट साउंड इंटेंसिटी एक्सप्रेशन विद यूजुअल रोटेशन, आपको क्या बताना है, साउंड इंटेंसिटी एक्सप्रेशन बताना है, किसके रिस्पेक्ट में, साउंड के रिस्पेक्ट में। तो मतलब किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, SIL की बात कर रहे हैं, SIL बोले तो आपका साउंड इंटेंसिटी लेवल, किसकी बात कर रहा है सर यहाँ पे, साउंड इंटेंसिटी लेवल की बात कर रहे हैं। और साउंड इंटेंसिटी लेवल आपके पास क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, दैट इज 10 log 10 इज I/I0 की फॉर्म में भी हो सकता है, और हम इसको और भी लिख सकते हैं सर, 10 log इज I/I0 भी लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, 10 log 10 इज I/I reference भी लिख सकते हैं, क्लियर है। और इसको हम और भी लिख सकते हैं सर, 10 log I/I reference भी लिख सकते हैं, क्लियर है। तो आपको इतना एक्सप्रेशन मिल सकते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल को, तो देखिएगा मैच कीजिएगा, स्क्वायर तो नहीं होगा सर, किसी एंगल में स्क्वायर तो नहीं होगा, स्क्वायर आप आपका किसका हो सकता है, प्रेशर के रिस्पेक्ट में आपका स्क्वायर हो सकता था, जैसे आप वहां करते थे, दैट इज 10 log 10 P/P reference, पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, होल स्क्वायर करने के बाद आपको फाइनल जो एक्सप्रेशन मिलता था, दैट इज 20 log 10 इज P/P0 का स्क्वायर नहीं, क्योंकि स्क्वायर का आ गया नीचे, तो 10 से कर दिया उसको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आपको साउंड के बारे में बताया था, तो यहाँ तो आपका पहला ऑप्शन नहीं हो सकता सर, दूसरा ऑप्शन, यस 10 log 10 इज I/I0, 10 log 10 इज I/I0, क्लियर है। आपके पास सी ऑप्शन हो नहीं सकता था, डी ऑप्शन हो नहीं सकता, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी विल बी करेक्ट आंसर। तो आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हाट टाइप ऑफ नॉइज कैन बी अबेटेड बाय प्रोवाइडिंग द लाइनिंग ऑफ वॉल्स एंड सीलिंग विद साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स, कि इसमें से कौन सा वो नॉइज का टाइप है, कैन बी अबेटेड, अबेटेड का मतलब होता है प्रिवेंशन, कि उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग द लाइनिंग ऑन वॉल्स एंड सीलिंग विद साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स। तो ऐसे में अगर हम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं तो आपका थिएटर्स आगे है, आपने कभी थिएटर्स में मूवीज वगैरह देखने जाते हैं तो वहां पर कभी कभी क्या होता है आपका साउंड प्रॉब्लम का इको हो जाता है, कि वही साउंड आपका क्या करता है दोबारा से रिफ्लेक्ट करता है, आपको डबल साउंड वहां से सुनाई पड़ती है। या आपने देखा होगा कि कभी आप पहाड़ों पे जा रहे होंगे और आपने वहां पे जोर से चिल्लाए होंगे तो आपको शायद ही ऐसा लग रहा होगा कि एक पहाड़ से जो साउंड टकरा के आपकी तरफ आ रही है, तो दिस इज कॉल्ड इको प्रॉब्लम्स, क्लियर है। तो इसी तरह की जो प्रॉब्लम्स रहती है आपके पास वो मतलब थिएटर्स और सिनेमा हॉल्स के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में हमारे पास क्यों डाली जाती है आपके पास प्रोवाइडिंग द लाइनिंग ऑन वॉल्स एंड सीलिंग, कि आपकी साउंड का वहां पे इको प्रॉब्लम्स ना क्रिएट कर पाए, ताकि वहां पे रिफ्लेक्शन साउंड से बचा जा सके। तो यहाँ पे कौन सी टाइप्स हुई, क्या सोर्स नॉइज हुआ, नहीं सर सोर्स नॉइज तो नहीं होगा सर। क्या सर आपका रिफ्लेक्शन नॉइज होगा, जी हाँ रिफ्लेक्शन नॉइज होगा। क्या स्ट्रक्चरल नॉइज, नहीं सर नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपके पास, बी विल बी द राइट आंसर, क्लियर है।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए मशीन इन ए स्टील प्लेट फैब्रिकेटिंग इंडस्ट्री इज फाउंड, कि आपके पास एक मशीन है जिसमें आप एक स्टील प्लेट को फैब्रिकेट कर रहे हैं एक इंडस्ट्री की। इज फाउंड टू बी प्रोवाइडिंग ए साउंड लेवल ऑफ 50 डेसिबल्स, यानी कि एक आपके पास सोर्स दे दिया गया है, मशीन दे दी गई है। मान लेते हैं आपके पास ये मशीन दे दी गई है, एक मशीन है ये आपके पास, और इसका जो साउंड लेवल दे दिया गया है आपके पास वो कितना दे दिया है, वो 50 डेसिबल्स दे दिया है। कितना दे दिया है, 50 डेसिबल्स दे दिया गया है। उसी तरह से उसमें क्या बोला गया है, इन द एक्सपेंशन प्लान्स वन मोर सच मशीन नीडेड टू बी एडिट। इसी तरह से इसने बहुत सारी मशीनें ऐड की होगी, वन और मोर कर देता हूँ, एक और मशीन ऐड कर देते हैं। तो हमने क्या किया सर, यहाँ पे एक और मशीन को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, कर देते हैं सर एक और ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड कर दिया है तो ऑब्वियसली बात है कि जो उनका भी जो आपके पास साउंड लेवल होगा वो सेम होगा, वो कितना है आपके पास, 50 डेसिबल्स है। क्लियर है? तो आपके पास मशीन ए था, उसका साउंड लेवल था एल ए था 50 डेसिबल्स, एक आपके पास बी मशीन था जिसका साउंड लेवल था आपके पास एल बी था। तो इसके लिए आपको मैंने कोई फॉर्मूला बताया था कि आपके पास एल इक्विवेलेंट्स आप किस तरह से निकालोगे, तो आपके पास फॉर्मूला था 10 log 10, यही था हमने किया था, इज या आप कर देते हो समीशन ऑफ आईथ टर्म टू वाई, वन इज एन एंड 10 की पावर एल आई डिवाइड बाई 10 इन टू टी आई, आप ये करते थे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दो मशीन है आपके पास, तो दैट इज 10 log इज 10 की पावर माइनस एल आई कितना, सॉरी एल आई कितना है आपके पास, 50 डेसिबल, तो 50 बाई 10, ठीक है, सेम टाइम पे ही हो रहा है, तो इन टू 1 प्लस उसी तरह से आपके पास यहाँ पे फिर 10 की पावर अगेन भी 50 है, तो 50 बाई 10, टाइम सेम है तो इन टू 1 कर दो आप। क्लियर है? तो यहाँ से जब आप L इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट करोगे तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, तो आपके पास 10 की पावर 5 प्लस 10 की पावर 5, आप इसको लॉग कीजिएगा तो लॉग आया 5.3, इन टू 10 कीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 53.01 डेसिबल्स, यानी कि हम कह सकते हैं 53 डेसिबल्स क्या आ गया है, आपका आंसर आ गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 53 डेसिबल, तो व्हाट विल बी द कंबाइंड नॉइज लेवल, जो कंबाइंड नॉइज लेवल आएगा क्या 100 और 80 और 100 के बीच में आएगा, नहीं सर, क्या सर वो 101 और 150 के बीच में आएगा, नहीं, 40 और 50 के बीच में भी नहीं आएगा, वो आएगा 51 और 70 के बीच में आएगा। मैंने तो यहाँ पे सिर्फ दो ही की है, इसी तरह से हो सकता है उसने वन मोर सच एज, इसी तरह से बहुत सारी हो सकती है, इसकी तरह से दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार, बट हमने तो दो देखा, वो किसके बीच में आएगा, 51 और 70 के बीच में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास इफ जो डिफरेंट साउंड लेवल हो, अगर दो डिफरेंट साउंड लेवल आपके पास दे दिए जाए, ये सेम भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास दो है और उन दोनों के बीच का डिफरेंस 0 और 1 के बीच में है, तो आप क्या करोगे, जो भी हाइयर वैल्यू होगी प्लस उसमें आप क्या ऐड करोगे सर, 3 डेसिबल्स को ऐड करोगे। उसी तरह से 1 और 2 के बीच में डिफरेंस हुआ तो उसमें हाइयर वैल्यू में आप क्या करोगे सर, आप 2 डेसिबल्स को ऐड करोगे। उसी तरह से सर आपका क्या होगा सर, 2 और 3 1 और 2 नहीं, आपके पास हो जाएगा 2 और 3। अगर आपके पास सर 4 और 8 के बीच में हुआ तो हायर वैल्यू में आप 1 डेसिबल्स को ऐड करेंगे, बट अगर मोर देन इक्वल टू 9 हुआ, इक्वल मतलब 9 भी हो सकता है और 9 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो आप क्या करोगे, हायर वैल्यू को ही एज ए डेसिबल्स काउंट करेंगे। क्लियर है? हायर वैल्यू। तो यहां पर क्या था आपके पास, देखिएगा कि जो आपके पास इफ टू डिफरेंट साउंड, दो डिफरेंट साउंड थी, एक का 50 डेसिबल था 50 50, तो यहां पे डिफरेंस हमने देखा इसका, तो डिफरेंस कितना आया, 0। हायर वैल्यू क्या है इसकी सर, 50, तो 50 में हम क्या ऐड करेंगे, 3, तो आपका राइट आंसर क्या जाता था, यहां से 53 डेसिबल्स हो जाता, यानी कि कितना इंक्रीज किया आपने, 3 इंक्रीज किया, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 53 होगा, तो यहां पे सी विल बी द राइट आंसर। तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते थे। उसी तरह से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिएगा कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट डेसिबल लेवल व्हेन टू सोर्सेस मेक ए नॉइज इज इक्वल टू। अब आपके पास कोई भी दो सोर्स है,
नॉइस ऑफ इक्वल टू, तो कब इक्वल होंगे, तो देखिएगा यहाँ पे दो नॉइस का मैंने बताया है कि जब जीरो और एक के बीच में डिफरेंस होगा तब आपके पास हाइयर वैल्यू में आपको क्या ऐड करने का, तीन डेसिबल्स। जब दो और तीन के बीच में होगा तो हाइयर में कितना ऐड करना, दो डेसिबल्स। जब चार और आठ के बीच में डिफरेंस हो तो हाइयर वैल्यू में क्या ऐड करना, एक डेसिबल्स। और जब आपके पास नौ और नौ से ज्यादा हो तो कितना ऐड करना, आपको हाइयर वैल्यू को ही एज इट इज रखना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया स्टेटमेंट में कि डेसिबल लेवल विल द सेम, ऐसा तो नहीं है कि डेसिबल लेवल आपका सेम, हाँ डेसिबल लेवल सेम नहीं हो सकता है, बट जरूर होगा कि जब डेसिबल लेवल आपका सेम होगा, सेम मतलब आपके पास मान लेते हैं एक 50 डेसिबल्स दे दिया था और दूसरा आपके पास 50 डेसिबल्स दे दिया था जैसे पिछले क्वेश्चन में, तो इसकी जो हाइयर वैल्यू क्या थी वो 53 डेसिबल्स थी। तो 53 डेसिबल्स में आप कितना ऐड करते थे सर, तीन ऐड करते थे, तो अब आपका आंसर कितना आता था, 53 डेसिबल्स आते थे। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत हो गई है, क्योंकि उसने क्या कहा, सेम तो नहीं होगा, 53 होगा, बट डेसिबल लेवल इंक्रीज बाय तीन डेसिमल। यस, अगर दोनों ही सेम है 50-50 तो कितना इंक्रीज होगा, प्लस थ्री इंक्रीज होगा। तो ये भी आपका कह सकता है कि इंक्रीज होगा, तो बी हमारा क्या है, अभी सही है। सी भी देख लेते हैं, डेसिबल लेवल विल डिक्रीज, डिक्रीज तो नहीं होगा, और डेसिबल लेवल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ डेसिबल टू सोर्स, नहीं ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो गया, बी विल बी राइट आंसर, क्योंकि जब भी आप किसी दो डेसिमल्स को ऐड कर रहे हो इक्वल, मतलब दो डेसिमल दोनों इक्वल पे है 50-50, तो उस समय आप कितने का एडिशन करेंगे, आप तीन डेसिमल का एडिशन करेंगे, और जब एक का डिफरेंस हो तब भी आप तीन का ही एडिशन करेंगे। क्लियर है, तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कह रहा है आपके पास, देखिए पढ़िएगा, क्वेश्चंस में बोला है कि नॉइस पोल्यूशन इन ए रोड साइड बिल्डिंग्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय, कि जो भी नॉइस पोल्यूशन क्रिएट हो रहा होता है आपकी रोड साइड बिल्डिंग्स में, उसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि उसको कैसे कम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले नॉइस पोल्यूशन की, तो नॉइस पोल्यूशन क्या है कि जब आपके कानों तक अनवांटेड साउंड पहुँचती है जिसको आप सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। बट हो सकता है कुछ लोग उसी नॉइज को सुनना चाहते हैं, बट कुछ लोग उसी नॉइज को नहीं सुनना चाहते हैं। अब अगर यहां पे बात करते हैं WHO के अकॉर्डिंग, तो WHO के अकॉर्डिंग अगर आपका साउंड का लेवल 85 डेसिबल से ऊपर चला जाता है, तो कहीं ना कहीं हम उसको नॉइज पॉल्यूशन में काउंट करेंगे। क्लियर है, तो यहां पर यह चीज तो आपको ध्यान रखना कि इफ अगर आपका साउंड का लेवल क्या हो जाता है सर, 85 डेसिबल से अबो हो जाता है, तो ये किसको काउंट करेंगे, हम इसको नॉइस पोल्यूशन में काउंट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे कि जो भी आपका साउंड होना चाहिए वो 85 से कम ही होना चाहिए। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट है इसको सर कैसे कंट्रोल किया जाए कि जो भी आपकी रोड साइड की बिल्डिंग हो, तो सबसे पहला है इसका कि कंट्रोलिंग मेथड्स बोल दो शायद। सबसे पहला मेथड है कि जो भी आपका टाउन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग का होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, टाउन क्या होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग का होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है सर, दूसरा हो सकता है कि वहां पर वेल प्लेस ट्री एंड आप वेजिटेशन ग्रो करो टू ग्रोइंग द वेजिटेशन एंड थिक ट्रीज। ठीक है, ये बात याद रखना आपने। क्लियर है, और अगर हम बात करते हैं सर कि अगर आप वहां पे ट्रीज लगा रहे हैं आपके रोड के साइड्स में, अगर आपने क्या कर दिया, एक वेल प्लांट ट्रीज वहां पे एक अरेंज में लगा दिए हैं, तो उससे भी क्या होगा, आपकी 40% तक का साउंड लेवल आपका, यानी कि नॉइज लेवल आपका क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। डियर, क्लियर है, तो ये भी मैं पॉइंट्स लिख देता हूं कि ए वेल प्लेस्ड, अगर आपका क्या रहा, वेल प्लेस्ड ट्री कैन रिड्यूस द 40% ऑफ द नॉइज पोल्यूशंस। कितना रिड्यूस करता है, 40% द नॉइज पोल्यूशंस रिड्यूस करता है। डियर, क्लियर है, ये पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके पास कि वेजिटेशन से क्या होता है, वेजिटेशन इज ऑल्सो रिड्यूस द नॉइज पोल्यूशंस। ये भी क्या रिड्यूस करता है, आपके नॉइज
पॉल्यूशंस को रिड्यूस करता है, ठीक है, ये बात याद रखी है। और इसके जो प्रोसेस होता है ये, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रू ए फिनोमिनन। इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, इसी फिनोमिनन को बोलते हैं हम इज नॉन एज साउंड, साउंड अटेंशन। इसको क्या बोलते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है तो अटेंशन, ई एन यू ए टी आई ओ एन, एटेन्यूएशन, क्लियर है। इसी को क्या बोलता है, साउंड एटेन्यूएशंस बोलते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि अगर आपके रोड के साइड में अगर कोई बिल्डिंग्स है और वहाँ पे अगर नॉइज़ पोल्यूशंस क्रिएट हो रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले है कि एक तो वहाँ पर जो भी आपके टाउन होने चाहिए उसके पीछे है, रोड के पीछे हो गए, वो आपके क्या होने चाहिए, वेल प्लान होने चाहिए। दूसरा क्या रहना चाहिए, का ग्रोइंग द वेजिटेशन एंड थिक ट्रीज, वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, आपको वेजिटेशन ग्रोइंग करनी चाहिए और एक मतलब टॉल एंड ट्रीज वहां पे लगाना पड़ेगा, क्लियर है। नेक्स्ट, अगर आपने वहां पे एक वेल प्लेस्ड ट्रीज लगाए तो वो भी आपका क्या कर सकता है, नॉइस को रिड्यूस कर सकता है, कितना, 40% रिड्यूस कर सकता है, क्लियर है। बट अगर हम वेजिटेशन की बात करते हैं तो वेजिटेशन भी आपके पास क्या करता है, नॉइस के पोल्यूशन को रिड्यूस करता है, और इसी के फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, साउंड एटेन्यूएशन बोलते हैं। पूछा जाता है कि साउंड एटेन्यूएशन इज ड्यू टू, तो किसकी वजह से हो रहा है, ये आपका हो रहा है वेजिटेशन की वजह से, क्लियर है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बोला है प्रोवाइडिंग द डिच अराउंड द बिल्डिंग एंड फिलिंग इट विद वाटर। उसने क्या बोला कि आप डिच बना दीजिएगा, मतलब खाइया बना दीजिएगा, और उसको किससे फिल कर दीजिएगा, वाटर से फिल कर दीजिएगा, नहीं भाई ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन बोला है कि प्रोवाइड ए स्टील मैश अराउंड द बिल्डिंग, नहीं, अगर आप वहाँ पे स्टील्स प्रोवाइड करेंगे तो आपने देखा होगा कभी जो स्टील होता है, स्टील भी क्या करता है, साउंड को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, क्लियर है। तो साउंड वहाँ पर भी आती है, आपने देखा होगा घरों में आपके स्टील के बर्तन को आपस में जब वो टकराते हैं तो उससे भी क्या क्रिएट होती है, आपकी साउंड क्रिएट होती है, तो ये भी नहीं हो सकता है, क्लियर है। लास्ट ऑप्शन है प्रोवाइडिंग ए थिक बुश अराउंड द बिल्डिंग, कि क्या करो कि प्रोवाइडिंग ए थिक बुश अराउंड द बिल्डिंग, हाँ ये सही है कि आप कर दो कि वहाँ पे थिक बुश अराउंड द बिल्डिंग, कि जितनी भी आपकी बिल्डिंग है उसके चारों तरफ आप क्या कर दो, एक या तो ट्रीज उगा दो या कुछ वेजिटेशन बना दो या कुछ थिक बुश, मतलब वहाँ पे झाड़ियाँ झुड़िया वैसा वहाँ पर बना सकते हैं, क्लियर है। लास्ट बोल रहा है इसके प्लानिंग द टॉल ट्रीज, ये बिल्कुल सही है, प्लानिंग द टॉल ट्रीज अराउंड द बिल्डिंग, बट आगे दिखेगा, एंड फेंसिंग देम विद द फेबर्ड वायर्स, बारबेड वायर्स, क्लियर है। उसने ये तो सही बोला है कि आप वहाँ पे क्या कर दो, अपने घरों के पास से मतलब लंबे ट्रीज लगा दो, टॉल ट्रीज आर प्लेस कर दो, और साथ में उनकी फेंसिंग करा दो, भाई फेंसिंग तो नहीं करेंगे हम, क्लियर है, क्योंकि फेंसिंग से भी क्या होगा, आपका नॉइज पोल्यूशन रिड्यूस नहीं होगा, क्लियर है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन इज दिस क्वेश्चन इज सी विल बी राइट ऑप्शन, क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि फॉर ए नॉइज मेजरमेंट फॉर्मूला ऑफ साउंड प्रेशर लेवल इज 20 log p अपॉन p रेफरेंस, व्हाट विल बी द p, द रिजल्टेंट नॉइज इन डेसिबल्स, p इज द 0.002 माइक्रोबार। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक मैंने SPL बताया था और एक मैंने आपको SIL बताया था, यानी कि साउंड प्रेशर लेवल और साउंड इंटेंसिटी लेवल। तो साउंड प्रेशर लेवल आपके पास क्या होता है, 20 log इज p अपॉन p रेफरेंस होता है, क्लियर है। यहाँ पर आपके पास p दे दिया है कितना, 0.002 माइक्रोबार्स दे दिया है, क्लियर है। बट आप सभी जानते हैं कि जो आपका पी रेफरेंस होता है वो आपका स्टैंडर्ड होता है, वो कितना होता है आपके पास, 20 माइक्रो बार होता है, सॉरी 20 माइक्रो पास्कल होता है, ठीक है, माइक्रो पास्कल होता है। अब देखिएगा, ये हमारे पास माइक्रो बार है तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, मुझे पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो माइक्रो कितना होता है, 0.0002 इंटू 10^-6 माइक्रो हो गया, बार हो गया, 1 bar इज इक्वल टू 1 pascal, 1 pascal इज इक्वल टू किसके कोल होता है, 10^5, तो आप कर दीजिएगा 10^5, तो ये किस पे आ जाएगा आपके पास, पास्कल में आ जाएगा। उसी तरह से 20 माइक्रो पास्कल कीजिएगा तो 20 × 10^-6 पास्कल आ गया, क्लियर है। अब आप निकाल दीजिएगा कि SPL इज इक्वल टू 20 log, P कितना है, P आपके पास 0.002 इंटू 10^-6 इंटू 10^5 डिवाइडेड बाय 20 × 10^-6 पास्कल में है, ये भी आपका पास्कल में है, क्लियर है। दोनों पास्कल में होंगे, पास्कल से पास्कल कनेक्ट हो जाएंगे। अब देखिएगा, अब यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा,
इसको 0.00, हालांकि ये विदाउट कैल्सी भी हो सकता है, क्लियर है, इनटू 10^-6, ये हो गया है। देखिएगा यहाँ पर सिंपल सा फंडा है, इनटू 10^5 भी कर दीजिएगा आप, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 × 10^5। अगर आप इसको भी करोगे तो 2 × 10^5 भी आएगा, क्लियर है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 6, एक मैंने इधर लिया तो आपका 6 ये कट जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा 2 × 10^-5 बचेगा, और नीचे भी 2 × 10^-5 रहेगा। तो यहाँ से जो आ जाएगा आपके पास दैट इज 20 log 1 आ जाएगा, और log 1 आप सभी जानते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कम से कम आपने 3 तक तो वैल्यूज़ को लर्न ही रखे, ठीक है। तो log 1 0 हो गया है, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया आपके पास, SPL कितना आ गया है सर, 0 आ गया है। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, सी हो गया। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि log, अगर आपके पास गलती से log 1 आए तो log 1 की वैल्यू होती है यहाँ पर, log 1 की वैल्यू होती है 0। उसी तरह से अगर आपके पास log 2 आए तो log 2 कितना होता है ये भी देख लीजिएगा, log 2 होता है आपके पास 0.3010 होता है। उसी तरह से log 3 कर दीजिएगा तो log 3 कितना होता है 0.4771 होता है, दिस इज द log 3। तो ये याद रखे हैं ये 3 वैल्यूज, हो सकता है कभी कभी आपको जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये डायरेक्ट हेल्प करेगी आपकी, क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है और इसमें से बताना कि कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी सही है। पहली क्या बोल रहा है कि नॉइज पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस यूजिंग द डबल ग्लास विंडो पैनल्स, बिल्कुल सही है कि जो आपका नॉइज पोल्यूशन है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं डबल ग्लास विंडो पैनल से। कैसे, क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ आपकी जितनी सॉलिड होगी वहाँ पे जो आपका साउंड है वो आपका बहुत ज़्यादा ट्रेवल करेगा, क्लियर है। अगर हम कंपैरिजन करें किस किस का, एक सॉलिड का और एयर का, तो आपका जो साउंड होगा सबसे ज़्यादा रैपिडली ट्रेवल कहाँ करेगा, आपके ग्लास के अंदर ट्रेवल करेगा, क्योंकि ग्लास क्या है, एक सॉलिड है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये तो आपका क्लियर हो गया है। दूसरा बोला है कि ग्लास एब्जॉर्ब द नॉइज, नहीं, ग्लास नॉइज को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये रैपिडली ट्रेवल करवाता है, ठीक है। तो एब्जॉर्ब तो नहीं होता है, इसका आंसर हो जाएगा सर रैपिडली ट्रेवल कराता है, ट्रेवल कराता है इन कंपैरिजन टू एयर, इन कंपैरिजन टू एयर, एयर की तुलना में आपका ग्लास होता है वो रैपिडली ट्रेवल करवाती है आपकी साउंड, क्लियर है। नेक्स्ट, द एयर ट्रैप्ड इन द डबल ग्लास सिस्टम एक्ट एन इंसुलेटर एंड रिड्यूस द नॉइज, बिल्कुल सही कहा है कि जो भी आपके पास, देखिएगा अब यहाँ पे जहाँ जहाँ भी दो है, दो तो गलत हो गया है, तो पहले आप ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं यार, तो दो है तो सर ये ऑप्शन भी गलत हो गया है, दो वाला ऑप्शन तो पहले ही रिमूव हो गया, बचा कौन सा, बचा आपके पास सिर्फ सी ऑप्शन बचा है। तो सी में क्या है सर, आपका फर्स्ट और थर्ड है, तो थर्ड आपकी क्या हो गई, सही हो गई है कि जो दो एयर ट्रैप इन द डबल ग्लास सिस्टम एक्ट एज इंसुलेटर एंड रिड्यूस द नॉइज, बिल्कुल सही कि जब आप दो ग्लास पैनल को आमने सामने रखते हैं तो वो क्या करता है, वो एक्ट करता है एज ए इंसुलेटर, जिससे क्या होता है आपका साउंड लेवल क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, उससे क्या होता है आपके साउंड बाहर नहीं जा पाती है, क्लियर है। नेक्स्ट बोला है द नॉइज टोटली रिफ्लेक्ट बैक ड्यू टू द टू लेयर्स, नहीं, साउंड कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करती है आपके ग्लास के अंदर, क्लियर है। तो बिल्कुल ही गलत हो गया है भाई, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया हो आपका सी विल बी राइट आंसर, क्लियर है। मूव करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इस क्वेश्चंस को देखोगे, कभी भी इस तरह के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं यार, इन क्वेश्चन को चेक करने का एक ही तरीका है कि आप इतने, मतलब आपका सब्जेक्ट इतना शार्प होना चाहिए और आपका माइंड भी इतना तेज होना चाहिए कि आप देखते ही बता सके कि सर मुझे कौन से स्टेटमेंट पहले चेक करनी है, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले जो मैं स्टेटमेंट चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, वो मैं फोर्थ स्टेटमेंट चेक कर रहा हूँ, क्यों, ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं मेरी नॉइज पोल्यूशन से जब मैं स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहा था और लास्ट तक पढ़ते गया तब तक मुझे ये वर्ड याद है, तो क्यों ना मुझे यही देख लूं भाई, क्लियर है। तो देखिएगा, द ऑडिबल रेंज ऑफ 200 to 25 Hz इज कंसीडर टू द नॉर्मल यंग अडल्ट्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ऑडिबल रेंज होती है एक यंग अडल्ट्स की वो 200 to 25 Hz होती है, क्या आपने ऐसा सुना कभी, नहीं, आपने तो देखा है कि जो सर ह्यूमन ईयर होता है, ह्यूमन ईयर्स की जो आपके पास, जो आपके पास ह्यूमन ईयर्स की जो ऑडिबल रेंज होती है, किसकी, कौन सी रेंज बोली उन्होंने, ऑडिबल ही रेंज,
ऑडिबल रेंज जो होती है वो कितनी होती है आपके पास, वो होती है सर 20 हर्ट्ज से लेके आपके पास 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है, क्लियर है। और इसी को मैं लिख सकता हूँ सर 20 हर्ट्ज से लेके आपके पास 20 किलो हर्ट्ज हो सकती है, क्लियर है, क्योंकि मैंने किलो में बना दिया यार, क्लियर है। अब मैं किस में इसको माइक्रो में कन्वर्ट करता हूँ, ये मेरी होती है 20 माइक्रो पास्कल से लेके 200 पास्कल के मध्य होती है, क्लियर है। तो ये तीनों ही आपको लर्न रखनी है, हो सकता है एग्जामिनर आपसे किस फॉर्म में पूछ ले, हो सकता है वो हर्ज को आपको 20 किलो हर्ज के मध्य बोले, हो सकता है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक बोले, जैसे इसने किस में दी गई हर्ज। तो ये तो आप जानते हैं यार कि जो मैक्सिमम जो साउंड होती है हमारी ह्यूमन ईयर्स की वो कितनी होती है 20,000, तो यार 25 तो किसी भी मकसद में नहीं हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेटमेंट को गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो जहां जहां भी आपको चार दिखाई दे रहा है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिएगा, आपने डी एलिमिनेट किया, आपने बी एलिमिनेट किया, आपने ए एलिमिनेट किया, बचा क्या, सिर्फ आपके पास सी बच गया है। अब और भी देखिएगा यहाँ पे, और क्या है कि जो आपकी एडल्ट होते हैं, एडल्ट की जो सुनने की मैक्सिमम क्षमता होती है वो आपकी कितनी होती है 15,000 हर्ज है, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो इतने हर्ज तक की साउंड को सुन सकता है, क्लियर है। बट जो एक चाइल्ड होता है उसका माइंड थोड़ा शार्प होता है और उसकी जो ऑडिबल्स रेंज होती है चाइल्ड की वो क्या होती है आपके एडल्ट से ज़्यादा होती है, यानी कि तो कितनी होगी 20,000 हर्ज होती है, क्लियर है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कंसेप्ट इस क्वेश्चंस के पीछे क्या छिपा हुआ था, क्लियर है। सिंपल सा था, ऐसा नहीं था कि यार बहुत बम्बारिंग क्वेश्चंस था, आपने एक स्टेटमेंट चेक की, एक ही स्टेटमेंट से आंसर मुझे मिल गया, कोई बात नहीं और भी पढ़ लेते हैं यार कि और क्या बोल रहा है उसने। नेक्स्ट उसने बोला कि साउंड इज द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम ए वाइब्रेटिंग सब्सटेंस ट्रांसमिटेड बाय ए साइकिल सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द मॉलिकुलर मटेरियल्स थ्रू विच इट पास, कि जो साउंड होता है वो एक मैकेनिकल एनर्जी है, वाइब्रेट करता है, ट्रांसमिट करता है एक साइकिल्स में। आपने देखा ही होगा कि जो आपका साउंड वेव बनता था आपका वो कैसा बनता था, साइनोसॉलिड्स बनता था, ठीक है। तो आपने देखा हो तो साइनोसॉलिड मतलब अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है, क्रस्ट एंड ट्रफ कुछ इस तरह से बनता था, क्लियर है। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट क्या है, सही है। सेकंड देख लेते हैं, इन ए प्योर टोन द वेव पैटर्न ऑफ द अल्टरनेटिव पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव साउंड प्रेशर इज ऑफ साइनोसॉइडल फॉर्म फिक्स्ड वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, बिल्कुल सही कहा है, कैसे बनता है, साइनोसॉइडल बनता है, तो टू भी आपका सही है, क्लियर है। तीसरा देखते हैं, द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज अ फंक्शन ऑफ ट्रांसमिटिंग मीडियम एंड इट्स टेम्परेचर, बिल्कुल सही, कि जो आपके पास स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन साउंड होता है वो किस किस का फंक्शन होता है, वो होता है आपका ट्रांसमिटिंग मीडियम एंड इट्स टेम्परेचर का फंक्शन होता है, क्लियर है।